अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन, सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। यूनियन काउंसलर्स की तादाद में इजाफे की सूरत में इलेक्शन के लिए 4-5 माह चाहिए होंगे। डीजी लॉ का अदालत में जवाब। अदालत ने पीटीआई और जमात इस्लामी को जवाब के लिए नोटिसेस जारी कर दिए। मुतनाज़ ट्वीट केस में आज़म सवाती की ज़मानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। आज़म सवाती के बेटे ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का ख़त वापस ले लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। पीपल्स पार्टी को हलका बंदी के मामले पर फैसला करना पड़ेगा। गवर्नर सिंह का कहना है कि आफाक अहमद से भी बात करूंगा। गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है। बर्फबारी के बाद मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फरकीन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत आलिया ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 9 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पीटीआई और जमात इस्लामी को नोटिस जारी कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। अपीलों में सिंगल बेंच का 31 दिसंबर को इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला चैलेंज किया गया था। दौरान समाअत दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौकफ इख्तियार किया कि इस अदालत के फैसले को सिंगल बेंच ने मद्देनजर नहीं रखा। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब इलेक्शन कमीशन को यह मामला भेजा गया तो क्या हुआ। वकील ने जवाब दिया कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर के इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया। 28 दिसंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। 28 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है। अदालत ने कहा कि 125 यूनियन काउंसिल्स का कानून बन जाता है तो कितने दिन चाहिए होंगे। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 4-5 माह हमें चाहिए होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक चीज तो सिंगल बेंच ने ठीक लिखी है, जिस वजह से मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था वो उन्होंने देखा ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करवाने के हुक्म के खिलाफ अपीलें काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में जारी करते हुए सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने पीटीआई और जमात इस्लामी को जवाब के लिए नोटिसेस जारी कर दिए। रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम का कहना था कि 2020 में पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाए
जरा सोचिए, ना इलेक्शन कराया मुस्लिम लीग नून ने और ना कराए पीटीआई ने, और आज भी इस हुकूमत की यही कोशिश है कि कानून साजी की कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में बार बार डिले कर रहे हैं कि 20 लाख इस्लामाबादियों को उनका बलदियाती हक ना दिया जाए। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का कहना था, आज डबल बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में इस केस की समाअत की और 9 जनवरी को यानी अगले सोमवार वाले दिन नोटिस जारी किए गए हैं और फरीकैन को तफसील से सुन के इंशाल्लाह ताला इस पे फैसला जारी किया जाएगा। अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, सिविल कोर्ट, कोई भी फैसला अदालत की तरफ से आए हमारे लिए काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह ताला उस पे मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़र ट्वीट केस में पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया, जबकि आजम स्वाति के बेटे ने अदालत में वकील से मशावरत के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का खत वापस दे लिया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा शहजाद वसीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि जिन्होंने हक पर फैसला दिया, ज़ात अना से बालातर होकर मुल्की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आजम स्वाति को रिहा करने के फैसले पर पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो कौमें आगे नहीं बढ़ सकती, आवाम ही बड़े फैसले कर सकती है। अदालत ने आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आज सुबह दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में स्वाति की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए 2 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध कमरन तिसोरी ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन का मामला रियासत के साथ है, हमें कराची के लोगों के दिल जोड़ने हैं। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कमरन तिसोरी ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन का मामला रियासत के साथ है, हमें कराची के लोगों के दिल जोड़ने हैं। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदी के मामले पर फैसला करना पड़ेगा, कराची जाऊंगा तो आफाक अहमद से भी बात करूंगा। आमिर भाई हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उनकी राय को अहमियत दी जाएगी, आखिरी फैसला खालिद मकबूल करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कमरन तिसोरी ने कहा कि मिसिंग पर्संस हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मुतालबा है, पिछली हुकूमत के साथ भी इसी मामले पर इल्हाक किया था, मौजूदा हुकूमत से भी यही उम्मीद है कि मिसिंग पर्संस पर हमें ना उम्मीद नहीं करेगी। गवर्नर सिंह ने कहा कि फर्द वाहिद की साजिश या तनकीद अहमियत नहीं रखती, सबसे बड़ी चीज़ इरादा और किरदार होना चाहिए। आप बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। कमरन तिसोरी ने कहा कि हमने बड़े फैसले ना किए तो फिर मौशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जाएगा, इफहाम व तफहीम और टेबल पर बैठकर मसाइल हल किए जाने चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि सबको एक मेज़ पर बिठाकर मसाइल हल करवा सकूँ। उनका कहना है कि MQM तहरीरी मुहिदे के साथ हुकूमत में शामिल है, इस बार ये लोग हमें ना उम्मीद नहीं कर सकेंगे, हमें गैर कानूनी अगवानियों का सामना है। गवर्नर सिंह कमरन तिसोरी ने कहा कि गौर व फिक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है, इफहाम व तफहीम और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, मेरी कोशिश होगी कि बुर्ज का किरदार अदा करूं। गवर्नर सिंह ने यह भी कहा कि मसाइल हैं तो उनके हल भी मौजूद हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोना चाहिए, कराची के लोगों के दिल सड़कों की तरह टूट चुके हैं। कराची के लोगों के दिल रोड रास्तों की तरह टूट चुके हैं, उनको जोड़ना है, अब तोड़ना नहीं है, इत्तेफाक करना है, नफाक नहीं करना है। और जहाँ तक आपने आमिर खान भाई की बात की, आमिर खान भाई हमारे बड़े हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब इज्तिमाई फैसले शहर और शहरियों के मफाद में किए जाएंगे तो वहाँ किसी की ज़ाती राय की अहमियत नहीं होती। बर्फबारी के बाद मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज है। स्तूर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। अस्कर्दू में -8 और हुंजा में -6 डिग्री रहा। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। बर्फबारी के बाद मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज है। अस्तूर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। इस्कर्दू -8 और हुंजा में -6 डिग्री रहा। कलात में भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर पेशावर में दर्जा हरारत 0, लाहौर में 8, कराची में कम से कम 11
और लैया में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज है और मुतादित मकामात पर मोटरवेज को बंद किया गया है। पंजाब में पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 फैसपुर से रजाना तक, मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद की गई है। सखर मुल्तान मोटरवे M5 मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के सबब मुकम्मल बंद कर दी गई है, जबकि कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस हद निगाह मुतासर है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।